तो देख लीजिए, इस प्रकार कढ़ाई में रखते हैं और उसको फिर आग में तपाते हैं, और उसमें एक पीचा है, इसकी मदद से थोड़ा बहुत उसको चलाते रहते हैं ताकि थोड़ा सा ये ना नीचे बैठे मत, जैसे पीछे चलाते रहते हैं कढ़ाई के ऊपर। बिल्कुल सही जगह पे आए हो वीडियो में। आप टमाटर को स्टोर करके रख सकते हैं साल 2 साल तक, क्योंकि जब टमाटर का सीजन निकल जाता है तो आप लोगों को टमाटर खरीदने में, जैसे गरीब लोग हैं या तो मिडिल क्लास के फैमिली हैं, हम जैसे फैमिली, वो 30-40 रुपया किलो तक तो नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे में हम लोग यह काम करते हैं इस गांव में कि उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो कैसे स्टोर करके रखें, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे टमाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भोलानाथ भारद्वाज, मैं लक्ष्मी भारद्वाज, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल भोला लक्ष्मी ब्लॉग्स में। तो चलिए, आज हम लोग बताते हैं कि गांव में, देहातों में टमाटर का सूस या टमाटर केचप कैसे बनाते हैं। वैसे हम लोग के छत्तीसगढ़ में तो इसे टमाटर भोजता, टमाटर फटका और टमाटर जो जो भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टमाटर बनाने की रेसिपी। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग तो बढ़िया हैं, मस्त हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी रेसिपी जान लेते हैं। दोस्तों देख लीजिए, टमाटर को हम लोग काट चुके हैं इस हथियार की मदद से। तो देख सकते हैं कैसे कटा हुआ है, और उसके बाद मैडम जी वहाँ उसको डाल चुकी हैं कढ़ाई पे पीछा चलाती हुई, और नीचे आग जल रहा है। देख सकते हैं इस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो मैडम जी उनको तैयार कर रहे हैं, तो तब तक आपको यह मोमेंट याद रहे। अभी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, अभी बना नहीं है, जस्ट बना रहे हैं बस। तो गाँव में बनता है कैसे टमाटर केचप या टमाटर का रेसिपी आप लोग को आगे पता चल जाएगा, बने रहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से इसको गाढ़ा बना लेते हैं। उसके बाद गाँव में इसे एक बर्तन पे रखते हैं। देख लीजिए इसका मॉइस्चर इस प्रकार से पूरा गाढ़ा बना लेते हैं। उसके बाद चलिए कैसे इसको स्टोर करते हैं उसको देख लीजिए। और इसको आप लोग यकीन मानिए, आप इसे चटनी और सब्जी में लगाकर खा सकते हैं। टमाटर सॉस को तो चटनी बनाते हैं मान रहा हूँ, लेकिन वो मीठा लगता है, लेकिन इसको आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। जब मार्केट में टमाटर महंगा हो जाता है तो इसे आप लोग सब्जी और कुछ भी हर चीज़ में डालकर खा सकते हैं, चटनी बनाकर खा सकते हैं धनिया मिर्ची के साथ, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मार्केट में जो टमाटर मिलता है ना, उससे भी अच्छा लगता है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसमें बस, और कुछ ऐड करना नहीं पड़े। और इसे इस प्रकार से रखने से यह सालों साल चलता है, और गाँव में गरीब लोगों के लिए बेटर उपाय है, हर आदमी इसे रख सकता है। क्योंकि जब टमाटर का ऑफ सीजन होता है तो टमाटर महंगा हो जाता है, तो ये देसी नुस्खा ज़रूर काम आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया लगता है। इस प्रकार स्टोर करके रख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग। मैडम वहाँ पर और बना रही हैं, और कुछ हम लोग बना चुके हैं, ये देख सकते हैं। इस प्रकार आप प्लास्टिक के डब्बे में रख सकते हैं इसे, और कांच के शीशे के जो भी बर्तन मिलते हैं आप लोग रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही अच्छा तरीका है, जब टमाटर महंगा हो जाता है हर गरीब आदमी इसको रखता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में यह देसी जुगाड़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक देखे, वॉच किए, इसके लिए धन्यवाद।